नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। भारत में सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में मटर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। खासकर हरी फलियों के लिए मटर की खेती किसानों की अच्छी आय का साधन बन गई है और अब बिहार के भी किसानों का झुकाव मटर की खेती की ओर बढ़ रहा है। सब्जी के अलावा मटर का उपयोग दाल के लिए भी किया जाता है। चाट और छोले की कल्पना तो बिना मटर के कर ही नहीं कर सकते, और फिर मटर पनीर की सब्जी के स्वाद से तो आप वाकिफ होंगे ही। तो आज हम अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में चर्चा करेंगे हरी फलियों के लिए मटर की खेती की। जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर किसान भाई मटर फली की शानदार उपज पा सकते हैं और इसके जरिए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आलू हो, पनीर हो, मशरूम या फिर कोई और सब्जी, मटर मिला कि बढ़ जाता है हर सब्जी का स्वाद। स्वाद तो स्वाद, सेहत के मामले में भी मटर का कोई जोड़ नहीं है। मटर में न केवल प्रोटीन तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं बल्कि इसमें विटामिन, फास्फोरस और आयरन भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। मटर फली की बढ़ती मांग ने किसानों की जैसे किस्मत खोल दी है और इसकी खेती से जुड़े मुनाफे ने इसे हॉट केक बना दिया है। दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मटर की खेती हरी फल्ली, साबुत मटर और दाल के लिए की जाती है। मटर की हरी फलियां सब्जी के लिए और सूखे दानों का उपयोग दाल के साथ साथ अन्य भोज्य पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। चाट और छोले बनाने में मटर की खास जरूरत होती है। हरी मटर के दानों को सुखाकर या डिब्बा बंद करके संरक्षित कर बाद में भी उपयोग किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हरी फलियों के लिए मटर की खेती की जाए तो किसान 80,000 से 1,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की शुद्ध आय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि फसल 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे खेत खाली हो जाता है और किसान अगली फसल भी लगा सकते हैं। मटर की खेती के लिए उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। हाँ, अगर सिंचाई की अच्छी सुविधा हो तो बलुआर दोमट मिट्टी में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। मटर की खेती के लिए खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करें। उसके बाद देशी हल से 2 या 3 जुताई करें। हर जुताई के बाद खेत में पाटा जरूर चलाएं ताकि ढेले टूट जाएं और भूमि में नमी का संरक्षण हो। बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी रहे। कम समय में आर्थिक लाभ के लिए मटर की खेती हरी फलियों के लिए करनी चाहिए। हरी फली वाली मटर की किस्मों में आरकेल, बोनविले, जवाहर मटर 5, जवाहर P83 प्रमुख है। आरकेल यूरोपियन झुर्रीदार, बोनी और लोकप्रिय किस्म है और बुआई के 60 दिन बाद ही फलियां तोड़ने लायक हो जाती है। से 10 सेंटीमीटर लंबी फलियों में 5 से 6 दाने लगते हैं। और इसकी औसत उपज 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बात करें बोनविले की तो ये अमेरिकन किस्म है। ये भी झुर्रीदार और अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है जो 80 से 90 दिनों में तैयार होती है।
और 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। वही जवाहर 5 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और ये किस्म 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। जवाहर P83 80 से 90 दिनों में तैयार होती है। इसकी खासियत है कि झुलसा रोग प्रतिरोधक होती है और इसकी औसत उपज 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो मटर फल्ली की खेती कैसे की जाए, मटर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, खेत में कैसे करें उर्वरक प्रबंधन और कैसे करें बीज का उपचार, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक खास मेहमान विनय सिंह जी, जो खुद एक किसान हैं। विनय जी, खेतीबाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम विनय जी से मटर की खेती पर चर्चा करेंगे। इस दौरान इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे विनय जी। हमारा नंबर है 0612-710-1734 7101438। एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी कॉल करें कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दें। तो आज हम लोग मटर फल्ली की खेती पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे बीच खास मेहमान उपस्थित हैं विनय सिंह जी। तो चलिए शुरू करते हैं मटर की फल्ली पे चर्चा। चूँकि मटर फल्ली जो है आजकल लोगों के काफ़ी पसंद बनी हुई है, पहले मटर का जो उपयोग होता था दाल के लिए होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में मटर की फल्ली का उपयोग सब्जियों के लिए बहुत आयत में हो रहा है। ऐसे में किसानों की जो आय है वो भी बढ़ रही है, अच्छी उपज मिल रही है, मार्केट में उसकी अच्छी मांग है, तो जाहिर है कि इसका अच्छा दाम भी मिल रहा है। तो आज विनय सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि मटर की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बात पहले बात करेंगे मिट्टी के, क्योंकि किसी भी फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। तो विनय सिंह से जानना चाहेंगे कि फल्ली मटर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। फल्ली मटर के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, उसके बाद किवाल मिट्टी जो काली होती है उसमें भी उपज बहुत अच्छी होती है और उसमें बढ़वार ज़्यादा होता है, कम खर्च में उसमें बढ़वार होता है। जी जी, काली मिट्टी एक्चुअली दलहनी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छी मानी जाती है। जी जी, इसलिए उसमें कोई भी दलहनी फसल या सब्जी लगाइएगा तो बिना खाद के और बिना रासायनिक के भी उसमें अच्छी फसल हो सकती है, जबकि केवल एक आध गो ट्रॉप ड्रेसिंग आप कर दें जी जी DAP से तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। और मेरे ख्याल से केवाल मिट्टी की एक और खासियत है कि उसमें अगर बारिश हुई है एक महीने पहले या 15 दिन पहले, तब भी उस खेत में नमी बरकरार रहती है, जिससे कि इसमें हमें ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, हमारे यहाँ तो केवाल प्योर काली मिट्टी है। जी जी, उसमें अगर जो पटवन कर देंगे जी जी तो उसमें फसल खराब हो जाएगी। जी जी, इसलिए हम लोग हल्का स्प्रिंकलर से हल्का फुहारा दे देते हैं तो वही काफ़ी है उसके लिए, पटवन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोग के यहाँ। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि हम लोग सुन भी रहे थे कि जो मिट्टी जो है वो हम भुरभुरी होनी चाहिए मटर की फसल के लिए, तो इसलिए कम से कम एक मिट्टी में पलटने वाले हल से उसके बाद 2-3 जुताई करनी चाहिए और उसके साथ पाटा जरूर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरे। मेरे ख्याल से जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो फसल अच्छी उपजेगी जो, और बाद में जाके वो अच्छी होगी। मिट्टी भुरभुरी करने के लिए हम लोग रोटा बेटर से जोतते हैं तो उसमें पाटा भी चलाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा भुरभुरी मिट्टी हो जाती है और हमें पाटा भी चलाने के और पाटा दे दीजिएगा तो और बढ़िया होगा। मतलब किसान भाइयों को चाहिए कि रोटावेटर से खेतों की जुताई करें से खेती तो करें, उसमें जो उनकी मेहनत है वो कम हो जाएगी, पाटा भी नहीं चलाना पड़ेगा। अच्छा विनय जी,
किसी भी अच्छी फसल के लिए जो बीजों का किस्म है, बीजों की किस्म का सही चुनाव जरूरी है। जैसे हमने देखा कि इसकी जो मटर फल्ली की कुछ विशेष किस्में हैं, जैसे अर्किल है, बोनविले है, जवाहर P5 है, जवाहर P83 है, ये किस्में काची। तो अगेती किस्म के लिए, अगेती फसल के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी होनी चाहिए? सबसे अच्छी फसल उसमें एक हम लोग के यहाँ हरी भंजन करके कंपनी का आता है जी जी। वो बहुत बढ़िया बढ़वार होता है और बहुत ज़्यादा उपज देता है जी जी। और कम दिन में 60-70 दिन में वह तैयार हो जाती है जी जी। और एक फल्ली में कम से कम 7-9 दाने तक उसमें आती है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है जो कि 7-9 दाने आते हैं, तो जाहिर है कि किसानों को अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी लाभ होगी जी जी बिल्कुल। अच्छा विनय जी, हमें जब भी कोई फसल लगानी चाहिए, जो भी हम बीज लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बीजों का उपचार जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बीजों का अगर उपचार कर लेते हैं तो कुछ रोग से, कुछ कीड़ों से हम पहले ही फसल का बचाव कर लेते हैं। तो इस मटर के बीज के उपचार के लिए किस रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बीज उपचार? मटर के आजकल हम लोग जो मटर का उपचार करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया जो चल रही है उससे फसल में एक विष पैदा हो जाता है जो शरीर के लिए नुकसान है। इससे तो हम लोग ऐसे भी किसान, अच्छा अच्छा चलिए अभी विनय जी हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, आपसे जानना चाहें। प्रेम किशोर आरा जी जुड़ना है जी। प्रेम किशोर जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मटर की खेती किस टाइम पर करनी चाहिए, उसको हेल्थफुल रखने के लिए क्या इसका उपाय क्या है? जी, मटर के खेती करने के लिए उपयुक्त समय लास्ट सितंबर से लेके अक्टूबर तक सबसे बढ़िया समय है। और अगात में भी अगर जो आओ उससे चाहते हैं तो HP3 अगात किस्म का फसल है, उसमें अच्छी फसल होगा जी जी। एक्चुअली क्या है ना कि सितंबर, लास्ट सितंबर से 15 अक्टूबर तक की जो ये अगेती किस्म की है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा समय होता है, और इसमें जो इस फसल से हम किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि बाजार में अभी मटर का भाव काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो खेती बाड़ी में चर्चा जारी रहेगी मटर की खेती की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खेतीबाड़ी में। खेतीबाड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं मटर की खेती की, खास करके फल्ली मटर जो कि सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। और आज हमारे बीच इस खेती पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं विनय सिंह जी, और उनसे चर्चा हमारी जारी है। तो विनय सिंह जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीजों के उपचार के लिए, तो जो दलहनी फसलों में जो खास एक चीज़ होती है उसको राइजोबियम कल्चर किया जाता है। तो राइजोबियम कल्चर बीजों उपचार के लिए कितना फायदेमंद है दलहनी फसलों में खास करके? राइजोबियम कल्चर के लिए तो फायदा है ही, लेकिन उससे हम लोग अब अलग हट के एक ही और दूसरे तरह से बीज उपचार कर रहे हैं, जिसमें गाय का मूत्र 100 ग्राम जी जी और नीम का पत्ती का रस जी दे के उसको हम लोग आधा घंटा उसमें फूलने देते हैं। फूलने के बाद उसे सुखा देते हैं। सुखाने पर फिर वह कीटनाशक जो लगता है बीच अच्छा, बीच विने, में विने जी, एक नहीं लगता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, विनय जी। जी विनय जी, सवाल पूछिए अपना। चलिए अभी दर्शक उनका फोन कट गया, फिर जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। तो राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, इससे जो फायदा होता है कि मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है। तो ऐसे में राइजोबियम कल्चर का जो अभी आप विकल्प बता रहे थे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें हम लोग को चाहिए कि
पटवन जो है बिल्कुल हल्का करें जी जी, स्प्रिंकलर से करें जी जी, तो उसमें है जो कीटनाशक भी कीड़ा मकोड़ा भी उस पर जो रहता है वो अथी गिर जाती है जी जी। और हम लोग उसके लिए कीटनाशक में आजकल हम लोग सरफ एक टंकी में एक चुटकी सरफ डाल के उसका स्प्रे करते हैं जी जी। तो किसी तरह के कीट व्याधि भी नहीं लगता जी जी जी। विनय जी आपको भी रोकना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे सीतामढ़ी से जुड़ रहे हैं विपिन जी। जी विपिन जी सवाल पूछिए अपना। हाँ सर जी विपिन जी, विपिन सवाल पूछिए। बोल रहे हैं जो इसके लिए जमीन कैसा चाहिए, ऊपर वाला ना नीचे वाला? जी विनय जी, इसके लिए जमीन नमी उसमें बहुत कम होना चाहिए केराव में, क्योंकि ज्यादा नमी रहेगा तो उसमें फफूंदी नाशक लग सकती है, इसलिए जमीन ऊंची हो तो ज्यादा बढ़िया है, और नहीं तो फिर नीचा है तो उसको पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालने के बाद जब जमीन फरहर हो जाए तब उसमें पौधा लगाइए। जी जी जी, चलिए। तो विनय जी, हमारी चर्चा चल रही है कि मटर फल्ली की खेती कैसे की जाए, तो इस पे जो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बीजों की मात्रा कितनी रखी जाए। तो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर जो भी एक मापदंड है, हमारे किसान तो ऐसे बीघे में भी खेती करते हैं, एकड़ में खेती करते हैं, तो प्रति हेक्टर कितना बीज हमें रखना चाहिए जिससे कि हमारी फसल ज़्यादा घनी ना हो और उसकी बढ़वार अच्छे से हो सके? हम लोग बीज बीघा में 30 किलो है जो बड़ा दाना होता है, इसलिए 30 किलो हम लोग बीघा में बीज देते हैं, और उसमें बढ़िया जलमोती होता है, अच्छी फसल होती है। चलिए इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। जी सवाल पूछे अपना। सवाल है सर जी कि सबसे पहली सवाल ये है कि बीज, सही बीज कहाँ उपलब्ध होगी, पहली बात है। क्योंकि बीज मार्केट में काफी कुछ लिकेट आती है जो यूज करके लोग बेचते हैं, तो एक पहला सवाल है कि मिलेगी कहाँ सही बीज, और दूसरी चीज है कि मात्रा क्या लगेगी एरिया में बीज की मात्रा। जी तो अभी बीज की मात्रा पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, जैसे बता रहे थे विनय जी कि 30 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। जी, 30 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से जो गेती किस्म है, चूंकि इसका दाना जो है काफी बड़ा होता है तो 30 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हमें बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और मटर की खेती के लिए जहाँ तक बीज उपलब्धता की बात है, तो मेरे ख्याल से बनारस जो है, बनारस का जो वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से हमारे बिहार में भी कई जगहों पे बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको इस बारे में विनय जी कुछ जानकारी, बीज कहाँ से मिलता? बीज जब लें तो जो रियल दुकान है जो आपके समझ से कि जो अच्छी बीज दे वहाँ से लिए लीजिए, या नहीं तो राजेंद्र पूसा नर्सरी से भी आप बीज ले सकते हैं, वहाँ का बीज सबसे अच्छा होता है। जी जी जी, चलिए खेती बाड़ी में वक्त है यहाँ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी मटर की खेती कैसे करें। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है खेती बाड़ी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मटर फल्ली की खेती की, और हमारे बीच मौजूद हैं विनय सिंह जी। हम चर्चा जैसे कर रहे थे राइजोबियम कल्चर की, इसके अलावा बीजों की जो मात्रा है वो हमें 30 किलोग्राम प्रति बीघा रखनी चाहिए, इसके अलावा जो सबसे एक खास बात है किसी भी फसल के लिए, खाद और उर्वरक का प्रबंधन। खाद और उर्वरक, वैसे किसी भी दलहनी फसल में माना जाता है कि नाइट्रोजन की जरूरत काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ खाद जो जरूरी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या ऐसे जो कुछ जरूरी खाद जो हर फसल में दिए जाते हैं, तो मटर की खेती के लिए कौन कौन से खादों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी खाद देनी चाहिए? मटर में खेत तैयारी करने के ही टाइम में जी जी गोबर का 200 क्विंटल पर हेक्टेयर जी आप दे के उसको मिट्टी में बढ़िया से जोताई कर दीजिए कि मिट्टी में मिल जाए जी, या उसके बाद जब आप
पटवन करें जी, उसके बाद उसमें खाद नहीं दें और उसके जगह पर यूरिया जी, एक टंकी में 50 ग्राम यूरिया दे के उसका स्प्रे कर दें तो उसका पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी और कम लागत में बहुत अच्छी फसल होगी। चलिए चलिए, इस बीच एक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, विप्लव जी। जी विप्लव जी, सवाल पूछे अपना। लगता है विप्लव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे मटर की खेती में उर्वरक प्रबंधन पे, तो बीच में अच्छी पैदावार के लिए और कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए विनय जी? और फास्फेट पोटास वगैरह जोताई के टाइम ही में उसको दे के और जोताई अच्छी तरह से कर देना चाहिए। मतलब दलहनी फसल हाँ, में नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, जो भी हमें खाद देनी है वो मिट्टी के खेत की तैयारी हाँ, के वक्त ही देनी उसी है। वक्त दे देना। जी 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 जी। तो चलिए, समय की पाबंदी है, चर्चाएं तो बहुत हैं, तो आज की खेती बाड़ी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको मटर फल्ली की उन्नत खेती में मदद मिलेगी। विनय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिर होगी मुलाकात किसी खास फसल पर खास चर्चा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें जी पुरवैया।